हेलो गाइस, आज हम लोग रोलिक इनिजियो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल की बात कर रहे हैं जो कि देखने में गजब की है। चलिए जानते हैं इस गजब की बाइक की गजब सी फीचर्स के बारे में। उससे पहले और कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जहाँ मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले मल्टी फंक्शन LCD डिस्प्ले रहता है, जो कि 3.4 इंच डिस्प्ले जो कि शो करता है वेरियस पैरामीटर्स, जिसमें रियल टाइम स्पीड दिखाता है, एवरेज स्पीड दिखाता है, ट्रिप डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना चला, बैटरी लेवल, मोटर टेम्परेचर, मोटर का पावर, टाइम ऑफ ट्रेवल कितने समय तक चला, ये सभी चीज और कई सारी चीज इसके डिस्प्ले में दिखाती है। इसकी डिस्प्ले कंट्रोल करती है कई सारे सिस्टम को, वॉक असिस्ट को, डिजिटल लॉक को और कई सारी चीज़ को। मतलब ये मल्टी फीचर्ड डिस्प्ले है इसकी, जो कि बहुत ही वेरियस टाइप्स के पैरामीटर्स को शो करती है, दिखाती है। क्रूज कंट्रोल, जो कि मदद करता है बिना पैडल मारे हुए इसे चलने में, इसको स्पीड में लाने में। वॉक असिस्ट, जो कि डिजाइन है और अलाउ करता है मोटर को ताकि इस बाइक को आगे की ओर खींच सके, और वो भी खतरनाक स्पीड से। इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी तीन प्रकार की आती है। पहला 7.8 AH बैटरी आती है, जो कि 30 से 50 किलोमीटर पर चार्ज पर चलती है। दूसरा 10.4 AH बैटरी आती है, जो कि 40 से 60 किलोमीटर प्रत्येक चार्ज पर चलती है। और तीसरा 13.0 AH बैटरी आती है, जो कि 50 से 70 किलोमीटर रेंज पर चलती है प्रत्येक चार्ज पर। इसकी मोटर की बात करें तो इसकी मोटर बहुत ही पावरफुल रहती है, जो कि 250 वॉट और 30 नैनोमीटर BLDC रियर हब मोटर लगा हुआ रहता है, जो कि खतरनाक और पावरफुल रहता है कि किसी भी स्टेप्स को क्लाइंब कर सके। मतलब ये कैसे भी जगह रहे उस पर चल जाएगी ये बाइसिकल। और इसे चलाने के लिए किन किन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो थ्रोटल, जो कि इसे आगे की ओर बढ़ाने में काम करती है, वो भी बिना किसी मेहनत के। मतलब जो आदमी इस पर सवार है वो बिना मेहनत किए हुए इसे खतरनाक तरीके से, मतलब अच्छे स्पीड से इसे ले जा सकता है आगे की ओर। इसमें जो रहता है वो 5 लेवल ऑफ पेडल असिस्ट रहता है, जो कि डिस्प्ले के द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है, और आप इसे पेडल मार कर भी आगे चला सकते हो। फिर इसकी गियर सिस्टम की बात करें तो 21 स्पीड सीमेनो टॉर्नी सिस्टम की गियर इसमें इस्तेमाल रहती है, जो कि 7 स्पीड गियर का इस्तेमाल होता है इसमें, जो कि इसकी जो गियर रहती है बहुत ही स्मूथर रहती है और आसानी से किसी भी स्थान, किसी भी स्थल में आसानी से चल सकती है, जा सकती है, इसे इस बाइसिकल को क्लाइंब कर सकती है, घींच सकती है। इसकी ई ब्रेक की बात करें तो फ्रंट और रियर में आगे और पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक लगे हुए रहते हैं, और ये इंश्योर करता है कि ब्रेक जब हम लेंगे तो मोटर जो है वो कट ऑफ हो जाए, मतलब मोटर रुक जाए, इसका ब्रेक इंश्योर करता है इस बात को। इसमें जो डबल डिस्क ब्रेक रहता है वो ई ब्रेक सेंसर, मतलब इलेक्ट्रिक ब्रेक जो रहता है वो डबल डिस्क ब्रेक उसके सेंसर के साथ काम करता है। और इसमें कनाडा MTB टायर लगे हुए रहते हैं, जो कि आपको एक स्मूथ राइड महसूस कराएंगे कि आसानी से आप जा सकते हो इस बाइसिकल से। अब फिर बात करें कि इसके जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं वो वाटर प्रूफ रहते हैं, इससे आपको घबराने की परेशानी नहीं कि बारिश पड़ रहा है तो दिक्कत हो जाएगा इस बाइसिकल में, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी LED हेडलाइट्स की बात करें तो इसकी LED बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। इसकी जो LED हेडलाइट रहती है वो रिफ्लेक्टर्स की तरह रिफ्लेक्ट करती है, ताकि वो इंश्योर करती है कि रात को भी आप इसे चला सकते हो आसानी से। और इसमें कई सारे कम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज भी इसमें जुड़े रहते हैं, जैसे हेलमेट, मड गार्ड, 4-पिन वायर लॉक। और इसकी चार्जिंग की बात करूं तो इसकी जो चार्जिंग है वो इसकी बैटरी के साथ वेरी करती है। जैसे 7.8 AH की जो बैटरी है उसको तकरीबन 3 घंटे लगते हैं चार्ज में, 10.4 AH की जो बैटरी है उसको 4 घंटे लगते हैं, और 13.0 AH की जो बैटरी है उसको 5 घंटे लगते हैं चार्ज करने में। इसमें थ्रोटल रहता है, जो कि एक्टिवेट कर देता है मोटर को ट्विस्ट करने में। इसकी हेडलाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसकी फ्रेम जो रहती है वो 26 इंच एल्युमिनियम एलॉय की रहती है, एल्युमिनियम एलॉय 6061 MTB फ्रेम रहती है।
इसकी फोर्क की बात करें तो वो मैकेनिकल सस्पेंशन 100 मिलीमीटर ट्रेवल की फोर्क रहती है। इसकी टायर की बात करें तो 26 इंच × 1.95 इंच की टायर रहती है जो कि कनाडा टायर है। इसके रीम की बात करें तो डबल वॉल एलॉय रीम रहती है जो कि ब्लैक मैट टाइप की रहती है। इसकी सीट पोस्ट जो रहती है वो एलॉय की बनी रहती है जिसकी 350 मिलीमीटर उसकी साइज रहती है। और इसकी कई इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो इसका वजन 19.5 kg रहता है। इसका डायमेंशन 140 × 20 × 75 cm होता है। इसका कलर ग्रीन और ब्लैक जैसा मैंने बताया। और ये बाइसिकल ना 15 प्लस उम्र से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि जो इसकी हाइट रहती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और इसमें ना आपको नॉर्मल वारंटी के साथ एडिशनल वारंटी भी मिलती है अगर आप पे करते हो 3,990 रुपये और। तो और ये एक ख़तरनाक और अमेजिंग बाइसिकल है जो कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइसिकल में आता है, इलेक्ट्रिक बाइसिकल में आता है। और कई जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए, आप कई सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। फिलहाल इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि आप जानते ही हो अभी कैसे क्या चल रहा है। फिर बीते दिनों में इसके प्राइस के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।